एकामाई जुगत रे आई तिन चेले परवान। एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीबान। ज्यों तिस भावे तिवें चलावे ज्यों होवे फुरमान। ओ वेखे उना नदर न आवे बहुता एओ विडान। आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहते जुग जुग एक होवे। संसार दी उत्पत्ति रचना ते गर्दिश दे संबंधित जो जोगियां ने जगत नू विचार दिते ने उस संबंधित साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जगत नू विचार दे रहे ने ते जोगियां नू समझा रहे ने। प्राचीन समय तों एक कहावत चली आ रही है कि मादा प्रकृति युक्ति दे नाल प्रसूत होई ते उस तों तीन शक्तियां ने तीन चेलिया ने जन्म लिया। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज उन्हां दा हवाला दे के फिर अपनी विचार जगत ते जोगियां दे सामने रखदे ने। एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान। जुगती दे नाल व्याई प्रसूत होई ए माया ए मादा ए प्रकृति ते फिर बने तिन चेले परवान। परमाणिक तिन चेलियां दा सिरमौर तिन देवतियां दा जन्म होया जिन्हां दे नाल लकब जुड़े कि एक संसारी है एक संसार दी पालना करन वाला है ते एक परले करन वाला है। एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। इत्थे तक विचार जगत दी है जोगियां दी है संसार दी है और इस संसार दी विचार नू सामने रख के मेरे पातशाह फिर अपनी विचार अपने ख्याल अपना जवाब जगत ते जोगियां दे सामने रखते ने। इतनी गल ते स्पष्ट है कि जोगियां दी पकड़ दे एक गल आई कि शक्तियां तीन ही ने ते किरिया सिर्फ तीन तरह दी हो रही है। जीव जम रहे ने जीव टिक रहे ने जीव मिट रहे ने। ग्रह नक्षत्र सूरज चंद तारे बन रहे ने टिक रहे ने मिट रहे ने। पशु पंखी जन्म ले रहे ने टिक रहे ने फिर मिट रहे ने। ये नियम तीन तरह का जन्मना जीवना ते मिट जाना सारियां ते लागू है और सारियां दी बकायदा अपनी उम्र है। तीन चेले परवान परमाणिक ये तीन चेले ने दरअसल तिन्ना दी ही गिणती करीबन करीबन सारे विद्वाना ने प्रकृति दे संबंध च कीती है। उन्होंने प्रकृति दे गुण भी तीन मन्ने रजो तमो सतो। शरीर भी तिन्ना दा जोड़ है मन है और अस्थूल मादा है शरीर ते फिर आत्मा है। एक नूं भी अलग कर दईए ते होंद कायम रखनी बहुत औखी हो जांदी है। आत्मा है मन है शरीर है। समें दियां हालतां भी तिन ने माजी हाल मुस्तकबिल भूत भविष्य वर्तमान। इसे तरीके नाल देखिया जाए जो शरीर दे जीवन दे चल रही चेतना है उदियां हालतां भी तिन ने जागृत स्वपन सखोपत। ते फिर असी देखदे हां कि जो कुछ जगत दे हो रहा है उहदे च भी क्रियावां तिन ने जीव जम रहे ने जीव बन रहे ने और उन्हां दी पालना हो रही है टिक रहे ने फिर मिट जांदे ने।
जोगियां ते कुछ आम प्राचीन संतां दे मन विच ख्याल आया जो जन्म दे रहे है हो ही नहीं सकता कि उही मार रहे है क्योंकि उनू मारन दा फिर की प्रयोजन हो गया क्योंकि जन्म उसने दिता है। जिसने जन्म दिता है मारन दा सवाल नहीं पैदा होंदा। तो जन्म कोई होर दे रहा है परले कोई होर कर रहा है ते फिर होर पकड़ दे चाही गल पालना कोई होर कर रहा है। और ये तीन शक्तियां वख वख ने। बाद विच इन्हां तीन शक्तियां नू नाम भी दे दिते गए ब्रह्मा विष्ण महेश। ब्रह्मा संसारी है, विष्णु भंडारी है, शंकर लय करने वाला है, परले करने वाला है। तो एक जन्म देने वाला है, एक पालना करने वाला है, एक मौत देने वाला है। और इन्हां तिन्ने ही ख्यालां दे आधार देते ये तीन देवते साढ़े देश विच प्रमाणिक मने गए। ज्यादा मंदिर महादेव ते विष्णु दे ने, ब्रह्मा जी दे मंदिर भारत विच नहीं ने। किधरे अखौती मंदिर एक कद मौजूद है। कारण जन्म हो गया। तो जन्म हो गया हुण उस नाल कोई संबंध नहीं। हुण ते उस नाल संबंध होवेगा जो पालना करे या जिस तो मौत होनी है। जिथों जन्म हो गया, जिथों असी आ गए, उस नाल दोबारा ते कोई संबंध है नहीं। इस वास्ते ये बहुत वड्डा स्वार्थ समझो कि ब्रह्मे दे फिर कोई मंदिर नहीं बने, उसकी पूजा भी नहीं हुई, किसी थां कोई उसकी आरती भी नहीं गायन होंदी। बाकी देवतियां दी तरह उन्हों कोई इष्ट रूप देच भी नहीं मनता। सिर्फ इतना ही ख्याल है कि वेदां दा रचयिता है, संसार दा रचयिता है, संसार नूं बनाने वाला है। पाला पैणा है उस नाल जिसने पालना करनी है। तो विष्णु दे बहुत मंदिर ने, बहुत मंदिर ने। पालना पदार्थ नाल आउंदी है, पालना धन नाल आउंदी है। तो फिर नारायण दे नाल लक्ष्मी है। लक्ष्मी तो मुराद पदार्थ, वस्तु, संपदा, जिस दे राही पालना होंदी है, जिस तो बिना जीवां दी पालना होनी अत्यंत कठिन है। तो लक्ष्मी नारायण, नारायण दी महिमा तां है कि लक्ष्मी है। ते लक्ष्मी तो बिना पालना हो नहीं सकती। धन पदार्थ तो बिना जीवां नू तृप्त करना शरीरक तल ते बहुत औखा है। तो लक्ष्मी नारायण दी खूब पूजा हुई, खूब मंदिर, काफी उदी पूजा ते प्रतिष्ठा। लेकिन डरे हुए मनुखा ने, भयभीत मनुखा ने शंकर दी भी पूजा की थी। नारायण दी पूजा इस वास्ते हुई पालना होंदी रहे, शिवजी दी पूजा इस वास्ते हुई मौत तो बचिए कि बाकियां दे घर ते जावे पर साडे घर ना आवे। इस वास्ते पूजा हुई, इस वास्ते सजदे हुए। एक दी पूजा इस वास्ते हुई कि रोज साडे घर आवे। लक्ष्मी नारायण दा पूजन इस वास्ते कि रोज साडे घर आवन, क्योंकि नारायण आएगा लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी आएगी तो नारायण आएगा, पूजन चलिया, रोज पूजन चलिया, ये आवन। ते शंकर दी पूजा इस वास्ते हुई ये ना आवे, ये कम से कम साढ़े घर तो दूर रवे। ये मौत दा देवता है, ये परले दा देवता है। तखयल है कि ओदा वासा मसाणा चाहुंदा है, मुरदे दियां खोपड़ियां वो गल विच पाउंदा है। तो हकीकत है मौत दा आखरी अंजाम ते मसाण ही है, शमशान घाट है। शंकर दे आले दुआले जो प्रतीक कट्ठे कीते गए सारे दे सारे मौत दे, और विष्णु जी दे आले दुआले जिन्ने प्रतीक कट्ठे कीते गए वो जीवन दे ने। कमल फुल है, सोने दियां मोहरां अगों पईआं ने थाले दे। हाथी फुआर कर रहा है, बरखा कर रहा है, लक्ष्मी नाल खड़ी है, और कोई भगत जन बैठा है, बीणा छेड़ रहा है, एक तारा छेड़ रहा है। ये सब जीवन दे प्रतीक ने, जिंदगी दे प्रतीक ने। पर बैठे ने महादेव
खामोश, अखां भी मूंद के बैठे ने, चुप बैठे ने, बेरौनकी है, तन ते स्वा मली हुई है। और ये प्रतीक है कि तन ने आखिर स्वा ही हो जाना है, राख ही हो जाना है। ये प्रतीक ने एक मौत का प्रतीक, एक जीवन का, एक जीवन का इशारा कर रहा है, एक मौत का। जब इस ढंग के नाल छापे खाने नहीं सन, किताबा नहीं सन, लिखाई पढ़ाई नहीं सी, तो मनुखां दी दुनिया चलती सी इशारियां दी भाषा। और इस ढंग नाल मनुख नूं धार्मिक बोध भी कराया जांदा सी, संसार दा बोध भी कराया जांदा सी। सहजे सहजे तालीम पढ़न लिखण दा ते छापे खानियां दा जन्म होया, तो इशारियां दी भाषा दी थां ते शब्द भाषा, बोलचाल दी भाषा ने लै लई। लेकिन धार्मिक दुनिया दे ओ प्राचीन इशारे अज भी मौजूद ने। यह गल वखरी है कि समझण तो लोकी सहजे सहजे असमर्थ होंदे जा रहे ने, और उन्हां नूं वास्तविक रूप दे जांदे ने, जबकि वास्तविक रूप मिथिहास बन जांदा है, इतिहास नहीं, हकीकत नहीं। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, आम प्राचीन जगत की यह प्रथा है कि यह प्रकृति, यह मादा युक्ति दे नाल प्रसूत होई। इस तो तीन चेले बने, ब्रह्मा, बिशन ते महेश, जो प्रमाणिक ने। 33 करोड़ देवते दे ए तीन प्रमाणिक ने, सिरमौर ने। ते साहिब कहिंदे ने एक नूं संसारी होण दा लकब दे दिता गया। संसारी होण तो मुराद सिर्फ संसार दी रचना ही कीती, जो रचयिता है, पालनहार नहीं है। इस ढंग नाल साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की दृष्टि तिने ही अधूरे हो जांदे ने, क्योंकि जो रचना कर सकता है वह पालना नहीं कर सकता, जो पालना कर रहा है वह मौत नहीं कर सकता, और जो मौत कर रहा है वह सिरजना नहीं कर सकता। ये तीन एक एक शक्ति। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते नहीं, हकीकत यह है जितों उत्पत्ति हो रही है पालना भी उस तो हो रही है, और जिसतों पालना हो रही है नाश भी उस तो हो रहा है। पर जे इत्थे सवाल खड़ा हो जाए कि जिस तो उत्पत्ति हो रही है मौत भी उस तो हो रही है, गल समझ दिच नहीं आउंदी, क्योंकि जिहड़ा बनाएगा वह मिटाएगा क्यों, और जिन्हें मिटाना ही है वह पालना क्यों करेगा। तो इहदे वास्ते गुरबाणी का एक बड़ा सुंदर जवाब है कि यह परमात्मा का कोई मुद्दा ते मकसद नहीं है, उसका एक खेल है। शौक दे नाल दरिया के कंडे ते बच्चे अपने घर बनाते ने, और जितनी शौक नाल बनाते ने, जितने हस के बनाते ने, उतनी हस के तोड़ देंगे। बनाण लगे हाँ जो हादसा मौजूद है, तोड़ लगे हाँ भी वह खिलखिलाहट मौजूद है। जिड़ी प्रसन्नता बनाण लगे हाँ है, तोड़न लगे हाँ भी वही प्रसन्नता है। और जितनी लगन ते मेहनत के नाल बनाया है, उतने ही चाओ मल्हार ते लगन नाल तोड़ देता है। क्या प्रयोजन है इस बच्चे का? अगर प्रयोजन होंदा, कुछ मुद्दा होंदा, मकसद होंदा, तो तोड़न लगे इसने रोना सी, तड़पना सी, बेजार होना सी। नहीं, ये उसका खेल है। तो साहब कहते हैं, आवन जान एक खेल बनाया, आग्याकारी कीनी माया। जगत विच आवना ते जावना परमात्मा का एक खेल है, मकसद नहीं। जिस काम के पिछे कुछ मकसद रख लईए, उत्थे तनाव खड़ा हो जाता है। क्यों तनाव इस गल का खड़ा हो जाता है, हुण मकसद की पूर्ति होवेगी कि नहीं, क्योंकि मकसद रखे। तो जिसने जिस काम के लिए कुछ मकसद रखे, इहदा मतलब उसने किधरे पहुंचना है, तो किधरे पहुंचना इस गल का सबूत है। जे रस्ते च है, अजे मंजिले मकसूद ते नहीं। तो परमात्मा का भी कोई मकसद है, उसने भी किधरे पहुंचना है, ये तो फिर अधूरा हो गया, ये तो फिर अपने घर दे च नहीं है। अगर उसने भी कोई मुद्दा रखे है, मकसद रखे है, स्पष्ट गल है। जैसे जैसे मनुख जिस काम दे नाल मकसद जोड़दा है, तनाव ते खड़ा हो जाता है, हुण मकसद की पूर्ति होवे ताई मैनू सफलता मिलेगी, ताई मैं अगे वध सकांगा। ते जे मकसद की पूर्ति ना होवे ते मायूसी आउंदी है, उपरामता आउंदी है। और अजे मकसद दूर है, अजे प्रयोजन दूर है, मुद्दा मंजिल दूर है,
लेकिन तनाव पहले ही खड़ा हो जाता है कि सफलता मिलेगी कि नहीं, मैं पहुंच सकांगा कि नहीं, मेरा पहुंचना ही मेरी सफलता है। तो जे परमात्मा का यह सब कुछ करना भी किधरे पहुंचना है, तो इतनी गल स्पष्ट होगी परमात्मा को अजे सफलता नहीं है और वो भी दुविधा च पे है कि मैं सफल होवांगा कि नहीं। तो साहिब गुरु अर्जन देव जी कहने नहीं, जगत की रचना के संबंध च उसका कोई मकसद नहीं, उसका कोई मुद्दा नहीं, ये उसकी एक लीला है, ये उसका एक खेल है। आवन जान एक खेल बनाया, आ गया कारी कीनी माया। मुद्दा नहीं है उसका, कोई मकसद नहीं है, लेकिन बनाई जा रहा है। इस वास्ते परमात्मा की दुनिया तनाव नहीं है, खिचाव नहीं है। वो जिथे है अपने टिकाने ते, वो जिथे है प्रसन्न है, आनंद है, खुशी देख है, खेड़े देख है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का यह बड़ा मधुर कलाम कि मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। ये जगत एक तमाशा है, ते मैं इस तमाशे नू वेखन वास्ते आया। दरअसल जो तमाशा वेखदा है वो ते प्रसन्न रहिंदा है, पर जो तमाशा बन जाता है वो लोगों की नजरां च गिर जाता है, दुखी हो जाता है, बेजार हो जाता है। और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे ए वाक कह रहे ने, ए बंदे तमाशा वेख, तमाशा ना बना। कई बंदे तमाशा ही बन गए ने, उन्हां दा जीवना और रोजमर्रा दी तर्ज जिंदगी तमाशा बनी हुई है। और लोकी वेख वेख के खुश होंदे ने, जिन्हां नूं वेख वेख के दूजियां नूं प्रसन्नता मिले, समझ लो बंदा ते तमाशा बन गया, एक खेड बन गया। लड़ रहे ने घर दे, पड़ोसियां नूं स्वाद आ रहा है, रस आ रहा है, हाथा पाई कर रहे ने, गाली गलोच कर रहे ने, एक दूजे दे केस पुट रहे ने, एक दूजे नूं जख्मी कर रहे ने। हजारां दी भीड़ इकट्ठी हो गई है, तो हजारां लई तो तमाशा बन गए। साहिब कहिंदे नहीं, ऐ बंदे जगत दे जो कुछ हो रहा है ये तमाशा है, और इस तमाशे नूं तू वेखण वाला बन, ना कि तू खुद तमाशा बन। और भगत जना तो बाद कुछ दार्शनिक अजीम चिंतक जो जीवन दे गहरे तल दे झात मार सके, ये गल वखरी है कि जीवन दे गहरे तल दे जा ते नहीं सके, लेकिन झात मार सके ने। जो पहुंच गए ने जीवन दे गहरे तल दे, वो ते संत ने, भगत ने, पर जो झात मार सके ने वो दार्शनिक ने, महान दार्शनिक। तो ये दो श्रेणियां जगत दे महान ने, जो जीवन दे गहरे तल दे चले गए ये ते महान ने, पर जिन्होंने झात मार के गहरा तल वेख लिया वो भी घट ने, वो भी महान ने। तो इस तरह की गहराई दे जाती मारी है उर्दू दे प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब ने। वो कहिंदा है, बाजी चाहे इतफाल है दुनिया मेरे आगे, ये सारी दुनिया मानिंद तिफल एक खेल है मेरे सामने, बच्चे का खेल, तिफल बच्चा। अजीबो गरीब जो कुछ जगत दे हो रहा है ये सब कुछ मेरे लिए बच्चियां दे खेल तो ज्यादा कुछ नहीं है। और फिर अगां चल के कहिंदा है, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे, दिन ते रात ये तमाशा मेरे सामने हो रहे। ये गल वक्री है कि रात दा तमाशा कुछ हो रहा है, दिन दा तमाशा कुछ हो रहा है, पर मैं देख रहा दिन दे तमाशे भी, रात दे तमाशे भी। फिर कहिंदा एक खेल है औरंगे सुलेमान मेरे नजदीक, एक बात है अज्जाज मसीहा मेरे आगे, तख्ते सुलेमानी। ये भी एक बच्चियां दा खेल है, राजनीतिक लई ये खेल नहीं है, उहदा ते एक मुद्दा है, मकसद है तख्ते सुलेमानी तक पहुंचना, तखत तक पहुंचना। वो अपनी जिंदगी भी दाव ते ला सकता है, सफलता ना मिली उन्हें बहुत दुख भी हो सकता है, हो सकता है कई दिन मंजे तो ही ना उठ सके, इतनी उसे चोट पहुंचे, इतना उसे आघात पहुंचे। क्योंकि तखत तक पहुंचना उसका मकसद है,
पर गालिब कहने अगर मैं कोई चुक के भी बिठा दे रहे, तो मैं तो यह समझांगा यह भी एक बच्चियां दा खेल है, इस तो ज्यादा कुछ नहीं। ते जेदे लई तख्ते सुलेमानी एक खेल है, तो उदे लई तख्ते सुलेमानी जिंदगी दा मुद्दा नहीं है, मकसद नहीं है, उदा मकसद कोई होर होवेगा, ये नहीं है। तो एक खेल है औरंगे सुलेमान मेरे नजदीक, एक बात है अजाज मसीहा मेरे आगे, आजाज मौजियां दी जमा, मौजे करामात। तो गालिब कहने हजरत ईसा दे मौजे, मौजे की कब्र ते हथ लाया है, मुर्दा जिंदा हो गया है, बीमार दे सिर ते हथ फेरिया है, तंदुरुस्त हो गया है, अंधे दियां अखां ते हथ रखे है, वो सुजाखा हो गया है। गालिब हस के कहनन ए भी बच्चियां दे खेल तो ज्यादा कुछ नहीं, सब कुछ एक खेल है, हजरत ईसा दे मौजे, तख्ते सुलेमानी, दिन रात दे जो कुछ हो रहा है सब कुछ एक तमाशा है। ए गल वखरी है कि जीवन दे इस महान गहरे तल नू जे महापुरुष वेख सके है, उत्थे तक पहुंचिया ते नहीं, पर वेख लेना भी कोई घट नहीं है, बहुत वड्डी साधना है। यह गल वखरी है कि दिमागी साधना है, पर जिन्होंने अध्यात्मिक साधना की थी, हेमकुंड दे तपीश्वर ने हेमकुंड विच बैठ के उन्हें जीवन दे गहरे तल दे झात नहीं मारी, वो जीवन दे गहरे तल दे पहुंचे है, उस ठिकाने ते पहुंच के कह रहे है, मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। मैं तमाशा वेखन वास्ते आया, मैं तमाशा खुद नहीं हाँ। अगर वो तमाशा खुद होंदे ते जद चार बच्चे शहीद होए ते रोंदे, ते जगत ते रोंदे आया नू वेख के हसदा है, कदी रोंदे आया नू वेख के रोंदा नहीं है। इस वास्ते आम कहावत है, तुसी हसोगे जगत नाल हसेगा, पर जब तुसी रोवोगे जगत रोण नू तैयार नहीं होवेगा। रोने की कौन सांझ पांदा है, हासे की सांझ पांदा है, जीवन की सारी सांझ पांदे ने, मौत की कौन सांझ पावेगा, नफे की सारी सांझ पांदे ने, नुकसान की कौन सांझ पावेगा, सारे रिश्ते सुख दे ने, दुख की रिश्तेदारी कौन जोड़ेगा। साहिब गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का फैसला, सुख में बहु संगी भय, दुख में संग न कोय, कहो नानक सुन रे मना, अंत सहाई होए। हरीदा भजन कर हे मन, कहो नानक हर भज मना, अंत सहाई होए। जगत ते सुख दा संगी है, इतना वड्डा संगी है कि सुख में आन मिलत बहु बैठत, रहत चहूं दिस घेरे। बहुत लंबी चौड़ी जड़ी भीड़ है तेरे आले दुआले, किधरे ए ना समझ नहीं कि मेरे संगी साथी ने। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने नहीं, सब सुख दे साथी ने, और जिस दिन तू देखेगा कि तेरी झोली च सुख नहीं रहे, तू चिराग लेके भी ना संगियां साथियां नू ढूंढेगा, नहीं लभना, एक किसे पासे मिलने नहीं। सारा शोर शराबा, सारी भीड़, सारा वर्तन वलेवा, सारा संबंध सुख दा है, सुख में आन मिलत बहु बैठत, रहत चहूं दिस गहरे। तो साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, बच्चे शहीद हो गए, पिता शहीद हो गए, ते आप दावे नाल कहनन, चाहा शुद के चूं बच्चे गां कुष्टाचार, के बाकी बमा दस्त पेशी दा मार, ते मर्दी के अहगर खमोशां कुनी, के आतिश दा मारा फिरोजां कुनी, की होया के बलदे हुए भांबणा दे चों चार चिनगारियां बुझ गईयां, ये सब कुछ उन्हां लई एक तमाशा है। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान के प्रचलित गाथा ते ए है, और खास करके योगियां दे प्रचार दे ए खास गल आई कि ए मादा ए माया जुगती नाल प्रसूत होई व्याई, और उस तो तीन प्रमाणिक चेलियां ने जन्म लिया, जिहदे च एक संसारी है, एक भंडारी है, और एक लय करन वाला है, एक परले करन वाला है। पर हकीकत की है, साहिब कहिंदे ज्यों तिस भावे तिवें चलावे, ज्यों होवे फुरमान। हकीकत यह है कि परमात्मा जिवें चाहुंदा है तिवें अपनी प्रकिरति नूं चला रहा है, जिवें उसका हुक्म है
तिने ही जगत दे सब कुछ जो है हो रहा है, उस तो बिना होर कुछ नहीं, उस तो ही उत्पत्ति हो रही है, उस तो ही पालना हो रही है, उस तो ही नाश हो रहा है, क्योंकि उसका कोई मुद्दा नहीं, उसलिए सब कुछ तमाशा है, उसलिए सब कुछ एक खेल है, एक मिथ है बड़ी सुंदर। कि एक दफा शिवजी ने प्रार्थना की थी, हे अकाल पुरख, कि तू मैनु जिहड़ी ये सेवा बख्शी है मौत दी, मैं जिस घर विच जाना रोना पिटना शुरू हो जाता है, कि मैनु चंगा नहीं लगता, तो मेरी सेवा बदल दिती जाए। जेड़ा काम इंद्र नु सौंपिया गया है बरखा करन दा, ये काम मैनु दिता जाए। तां परमात्मा ने आखिया, शंकर बरखा करनी तेरे सुभा दे अनुकूल नहीं, मौत करनी तेरे सुभा दे अनुकूल है, ते असी कम दिता है तेनू तेरे सुभाव दे अनुकूल। पर शिव जी ने हट कीती, नहीं जे बरखा इंद्र कर सकदा है तो मैं क्यों नहीं कर सकदा, मेरी झोली च ये सेवा पाई जाए। बहुते तरले करके हट करके परमात्मा ने ये सेवा झोली च पा दिती। अच्छा हुण आईंदा तो बरखा तू करेगा। शिव जी ने यह वर प्राप्त किया, जब मैं डमरू वजावा उदों ही बरखा होवे, उस तो पहले नहीं होनी चाहिए। तथा उस तू कर दिता गया, ठीक है तू डमरू वजाएगा बरखा होवेगी। मात लोग दे आए शिव जी, मिथिहास किसान लोग हल चला रहे सन, तो शिव जी कहन लगे, सुनो हल ना चलाओ, क्यों 13 साल तक मीह नहीं पैना, बरखा मेरे हाथ च, लेके वर आया बरखा दा कर रहा है मौत अपने सुभाव दे मुताबिक। 15 दिन बाद जब फिर उत्थों लंघिया ते किसान बीज पे पावन, ते शिव जी गुस्से च आके कहन लगे, जब मैं कह दिता है 13 साल तक मीह नहीं पैना, ते बीज क्यों रोल रहे हो जमीन दे, क्यों नाश कर रहे हो, क्यों अपना नुकसान कर रहे हो? तो किसान कहन लगे, जे रब चाहेगा तो बिना मीह ते भी बीज उगाण गए, ते जे हुण ना भी उगे ते 13 साल बाद मीह पैना है, ते 13 साल तक असी बीज बोया ना हल चलाया ना, तो असी ते हल चलाना भुल जावांगे, साडी संतान भुल जाएगी, असी खेतीबाड़ी का काम ही भुल जावांगे। थोड़े जिहा शिव जी अगे चले गए, रुख दे थले बैठे, ते ख्याल आया, जे किधरे मैं 13 साल डमरू वजाया ना ते मैं वजाना भुल जावांगा। तो एकदम झोली देखों डमरू कढ़िया और उन्हों वजान लग पे, ते वजांदे आई मीह पै गया। गुस्से च आए भी मेरी चाहत तो बिना किस तरह होया, अलहाम होया, आकाशवाणी हुई, तू ही वर लिया सी, जद मैं डमरू वजावा उदों बरखा होवे तो हो गई है बरखा। शिवजी दे हाथ जुड़ गए, कहन लगे, नहीं ये ते जो कुछ तू चाहना है ओही कुछ आउंदा है, जो कुछ असी चाहते हैं वह कुछ नहीं आउंदा। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान पे करते हैं, ज्यों तिस भावे तिवें चलावे, ज्यों होवे फरमान, जिवें उसनों भावदा है ते जिवें उसका हुक्म है तिवें ही वह जगत नूं चला रहा है, ते तिवें ही उसे तरीके नाल ही जगत विच सब कुछ हो रहा है। वह वेखे उना नदर ना आवे बहुता ए वडाण। बहुती आश्चर्य लीला यह है कि परमात्मा सारिआं नूं वेखदा है, सारे जीवां नूं वेखदा है, पर सारे जीवां नूं परमात्मा नहीं दिखाई देंदा। वह वेख रहा है लेकिन जीवां नूं वह नहीं दिखाई दे रहा। महाराज कहिंदे, मेरी दृष्टि सब तो वड्डा विडाण हैरान कुण खेल जिहड़ा है वह यही है कि वह हर एक दे उत्ते निगाह रखी बैठा है, लेकिन किसी जीव की निगाह के सामने परमात्मा नहीं, अकाल पुरख नहीं। आदेश तिसे आदेश, आदेश है सजदा है उसनों, किसनों, जो जगत का मुढ़ है ते जिसका कोई मुढ़ नहीं, और जो धबिया तो रहत है, नाश तो रहत है, ते जिसका वेश समुचे जुगां जुगांतरां विच इको ही है। आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश।